सुनवाई नहीं थी पहले तो मैं बता दूं, सुनवाई नहीं थी, जजमेंट की डिलीवरी थी। फैसला पूरा मामला, इसमें बहुत सारे इशूज थे, लेकिन जिस इशू पे ऑनरेबल कोर्ट ने अपना आदेश दिया है वो इशू ये है कि एक टीचर जो ऑलरेडी एक ट्रांसफ़र पहले ले चुका है पूर्व में, दोबारा ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, उसका दोबारा ट्रांसफ़र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस इशू को ऑनरेबल कोर्ट ने आज डिसाइड किया है। बाकी इशूज़ को डिटैक कर दिया, उसको बाद में सुना जाएगा। क्या कहा है कोर्ट ने? ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी टीचर ने एक बार ट्रांसफ़र ले लिया है और आज की डेट में उसके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो असाध्य रोगी है, उसका हस्बैंड या उसके बच्चे कोई भी असाध्य रोगी हैं, या वो विकलांग हैं, कोई भी उसके फैमिली मेम्बर मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनमें से कोई जो है असाध्य रोगी है या जो है विकलांग है, तो वो एंटाइटलमेंट है उसका, वो ट्रांसफ़र ले सकता है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते दोबारा। पर क्या महिलाओं के लिए स्पेशली कोर्ट ने कहा कि महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं? नहीं, इन जनरल महिलाओं के लिए नहीं कहा है। ऑनरेबल कोर्ट ने ये ज़रूर कहा है कि महिलाओं को एक विशेष अधिकार मिला हुआ है, जो पोस्टिंग रूल्स हैं प्राइमरी टीचर्स के, उसमें भी ये प्रोवाइडेड है 8(2)(d) में कि अगर विशेष परिस्थितियाँ हैं तो महिलाएँ मैरिड टीचर्स, खासियत मैरिड टीचर्स अपने हस्बैंड या सास ससुर जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो ट्रांसफ़र ले सकती हैं। उसको उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया है, वो ऑपरेटिव पार्ट नहीं है जजमेंट का। अल्टीमेटली ऑपरेटिव पार्ट केवल इतना ही है कि जो टीचर्स का कोई स्पेशल सर्कमस्टांसिस है, विशेष परिस्थितियाँ, वही दोबारा ट्रांसफ़र ले सकते हैं। एक तरह से जो गवर्नमेंट का स्टैंड था उसी को अप्रूव किया है? हाँ, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 2019 का क्लॉज है, कोई उसको भी नहीं, उस पर कुछ अभी कुछ है, केवल जो है इसी चीज़ पे दिया है कि एक टीचर दोबारा ट्रांसफ़र ले सकता है या नहीं ले सकता। आप कह सकते हैं कि विशेष परिस्थितियों में हो सकता है? हाँ, विशेष परिस्थितियों में दोबारा ट्रांसफ़र हो सकता है। स्टे का क्या हुआ? स्टे ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें जो उसका ऑपरेटिव पार्ट था उसमें खुद ही कहा था कि जब तक ये जजमेंट डिलीवर नहीं होता है तब तक के लिए जितनी भी प्रोसीडिंग है वो रुकी रहेगी। प्रोसीडिंग मींस जो है फाइनल सेलेक्ट लिस्ट, फाइनल ट्रांसफ़र लिस्ट नहीं आएगी। आज जो जजमेंट डिलीवर हो गया वो ऑटोमेटिकली जो है जो स्टे था वो ख़त्म हो गया है। वकील साहब, इसमें ये भी है कि जो पूरा मामला था जी, एक पॉइंट और था ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, हाँ कुछ ऑब्जर्वेशन है, कोर्ट ने ये तो कहा है कि महिलाओं को विशेषाधिकार रूल्स में प्रोवाइड कराया है, लेकिन उस पर अल्टीमेटली ऑपरेटिव पार्ट में कुछ नहीं कहा है ऑनरेबल को। मिड सेशन में ऑनरेबल कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि मिड सेशन में ट्रांसफ़र बेसिकली नहीं करने चाहिए, इन जनरल नहीं करने चाहिए, और जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है उसके बाद जो आज ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो मिड सेशन में हो रहे हैं, और हमेशा ट्रांसफ़र या तो सेशन के एंड में होने चाहिए या स्टार्टिंग पॉइंट पर होने चाहिए। ये केवल ऑब्जर्व किया है, आप कोई फाइंडिंग कोर्ट ने नहीं दी है। कोर्ट की थी जस्टिस अजीत कुमार साहब की कोर्ट थी, ऑनरेबल जस्टिस अजीत कुमार। अपना परिचय बता दें। मैं नवीन कुमार शर्मा, एडवोकेट हाई कोर्ट।